नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। एसएसपी बाबूराम ने खुद संभाला कमान, रात्रि में चलाया रोको टोको अभियान। सभी थाने को सख्त हिदायत, रात्रि में थाने का गेट ना करे बंद। भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर देर रात सीनियर एसपी बाबूराम के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाकर सभी वाहनों की जाँच की गयी और मास्क नहीं पहनने वाले का चालान भी काटा गया। साथ ही एसएसपी ने पुलिस बल के साथ स्टेशन चौक और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी देखा और उसकी पूरी जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि कई बार आपराधिक घटनाएं और लूटपाट की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में रोको टोको अभियान कारगर है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी थाने को निर्देश दिया गया कि जो बड़े दुकानदार हैं उनसे मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करें और जहां लगे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी चेक करें। वहीं शहर में स्मार्ट सिटी और पुलिस के लगे कैमरे को खराब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तरफ से जो कैमरा लगाए गए हैं उनकी समीक्षा कर उसे ठीक करवाने का प्रयास किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2017 में बिहार में पहली बार भागलपुर के तत्कालीन सीनियर एसपी आईपीएस मनोज कुमार की पहल पर रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के कारण अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसके बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मनोज कुमार की पहल को पूरे बिहार में उतारने की बात कही थी और बिहार पुलिस के द्वारा उसे अपनाया भी गया था। हालांकि भागलपुर में 2020 में सीनियर एसपी आशीष भारती के जाने के बाद यह अभियान धीमा पड़ गया था और अब फिर से एसएसपी बाबूराम ने इसकी शुरुआत की है, जो अपराध और अपराधियों पर मनोबल तोड़ने में कारगर साबित होगा। के टाइम पे रोको टोको अभियान एसएचओ अपने नेतृत्व में स्वयं चलाएंगे और इसके अलावा जो बड़े जूनियर पदाधिकारी होते हैं जेएसआई एएसआई रैंक के, उनको ब्रीफ करेंगे कि जब एसएचओ खुद से फील्ड में नहीं निकल सकते हैं व्यस्तता के कारण, तो जो एएसआई और जेएसआई रैंक के पदाधिकारी हैं वो इस अभियान को चलाएंगे। इसके अलावा जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सर्किल इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी तक, वो भी समय समय पर औचक रूप से फील्ड में जाकर देखेंगे कि इस अभियान की गुणवत्ता कैसी है और इसको संजीदगी के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। कई बार शहर में आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद पुलिस सीसीटीवी तलाशती है तो कई जगह पता पाया जाता है कि सीसीटीवी खराब है या कैमरा के लेंस पे धूल जम गई है। कई बार होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि सभी जो महत्वपूर्ण दुकानदार हैं उनसे मिलें और उनका सीसीटीवी लगाने के लिए उनको प्रेरित करें और जिनके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है उनका चेक कराएं कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ठीक है और उनको ये भी सलाह दें कि वो इसकी मेंटेनेंस की व्यवस्था करें और मंथली मेंटेनेंस कराएंगे तो कैमरा ठीक से काम करता रहेगा, रिकॉर्डिंग ठीक से होती रहेगी और जरूरत पड़ने पर उसकी फुटेज काम आएगी। सर, पुलिस के अभी 40 से 50 कैमरे पुलिस के अपने